नमस्कार, परभणी न्यूजमध्ये आपलं स्वागत करतो। मी दिलीप बनकर। पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी। परभणी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण दिनांक 12/6/2024 पासून आमरण उपोषणाला सुरुवात करण्यात आली आहे। सर्व नंबर 553/1/A व 553/1/B सुभेदार नगर कोडगाव रोड परभणी येथील बेकायदेशीर प्लॉट विक्री करणाऱ्या भूमाफियावर कायदेशीर कारवाई करा, यासाठी आमरण उपोषण सुरू केले आहे। सर्वे नंबर 553/1/A व 553/1/B सुभेदार नगर कोडगाव गेट परभणी येथील रेल्वे लाईन सेंटर ते 18 मीटर सोडून रेल्वेचा 12 मीटरचा रस्ता असून त्या जागेवर अनधिकृत प्लॉटिंग काढली व कोडगाव रोड 100 फूटचा असून भूमाफियांनी 20 फुटाचा रस्ता केला आहे, त्यामुळे भूमाफियावर कायदेशीर कारवाई करावी। सदरील सर्वे नंबर मध्ये जायकवाडी विद्युत वितरण प्रणाली सार्वजनिक बांधकाम विभाग व मनपा परभणीच्या जागेत बेकायदेशीर प्लॉटिंग काढून नोटरी करून विकत असणाऱ्या भूमाफियावर गुन्हे दाखल करा। नंबर 3, सदरील जागेतील प्लॉट खरेदी विक्री व्यवहार मधील भूमाफियावर व माननीय जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त मोजणी समिती नेमून उच्चस्तरीय चौकशी करून कायदेशीर कारवाई करा। नंबर 4, सदरील जागेचा तात्काळ शासकीय मोजणी करून शासनाची जमीन शासनाने ताब्यात घ्यावी, अन्यथा साखला प्लॉट येथील रहिवाशांच्या सारखी परिस्थिती निर्माण झाली नसती तर त्यावेळेसच कारवाई केली असती, तर तेथील रहिवाशावर अन्याय करून बुलडोजर चालविले नसते। नंबर 5, सदरील प्लॉटिंगबाबत माननीय न्यायालयात दावा प्रलंबित आहे। दिवाणी दावा क्रमांक 104/2023, अपील क्रमांक 103/2023 व 58/2024 असे भासून करोडो रुपयाची शासनाची जमीन हडप केली आहे। यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते पत्रकार वाहेद खान, जहागीर खान, राजू सखारामजी वानरे, सत्तार खान, नूर खान, यशवंत भीमराव सोनोने व शेख शादाब शेख आयुब राहणार परभणी यांनी दिनांक 12/6/2024 पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले आहे। जोपर्यंत या भूमाफियावर कारवाई होणार नाही तोपर्यंत हे उपोषण चालूच राहणार असे माध्यमाशी बोलताना उपोषणकर्त्यांनी सांगितले आहे। परभणी न्यूजच्या वतीने घेतलेला हा वृत्तांत। परभणी शहर के अंदर कावडगाव रोड जमजम कॉलोनी के पास सर्वे नंबर 553/1A इसके अंदर जायकवाड़ी भू संपादन क्षेत्र 73 गुंटे है, तो उसके अंदर भूमाफिया ने लेआउट प्राइवेट इंजीनियर पकड़ के लेआउट डाले और उसके ऊपर नोटरी आधारे और सर्वाधिकार के आधारे बेच डाल रहे प्लाट निकाल, और हमने बार बार जायकवाड़ी को बोला गया कि वहाँ नोटिस दो, उनके कार्रवाई करो, ये करो, लेकिन जायकवाड़ी ने इस पर आज तक किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। इससे हमको आज तक स्पष्ट दिखाई दिखा रहा दिया है कि ये अधिकारी और कर्मचारी इसके अंदर मैंने थे। आपको कैसा मालूम कि ये शासन की जमीन है? हम 7/12 के अंदर आए हैं ना, उसका भू संपत्ति क्षेत्र है उसके अंदर। अच्छा। और दूसरा मतलब मुद्दा ऐसा है कि हाई टेंशन है उसके अंदर। अच्छा। हाई टेंशन के अंदर भी उन्होंने पूरे लेआउट डाल दिए। परभणी जिला प्रशासन को आपने समझो कौन से ऐसे अधिकारी को मिलकर बात की है इस बार? जायकवाड़ी के अधिकारी की बात करें, एसडीओ को बात करें, इंजीनियर को बात करें, कलेक्टर ने उनका कहना क्या रहा? उनका कुछ छुपी लेकर बैठ गए, वो पूरे भुआ पे से मैंने धो गए उनके ऊपर। कुछ तो जवाब दिए होंगे ना? कुछ भी जवाब नहीं दिए। हम करते हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से पाटे खा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं वापस। अभी वहाँ पे सिचुएशन क्या है? अभी चालू है बिक्री? चालू है। वहाँ पे उन्होंने डीपी रोड है 100 फुट का। अच्छा। उसको 30 फुट का छोड़ दे, 70 फुट वहाँ का मार दिए। सेंटर लेन है 18 मीटर की। आपके कहने के मुताबिक वहाँ पे प्लॉट बिक्री हो रही है, तो एक प्लॉट का क्या साइज और कितने में बेच रहे हैं? वहाँ निकाले उन्हें 30x50 का, 40x50 का, ऐसे अलग अलग तरीके के निकाले। अच्छा, तो वो अभी उसका वैल्यूशन कितना है हिसाब से? अगर गवर्नमेंट की जगह को बेचा जा रहा है तो अगर पूरे प्लॉट बिकते हैं तो वो कितने का? 15 लाख, 12 लाख, 10 लाख ऐसा जा रहा है। एक प्लॉट यानी करोड़ों रुपये की जमीन है उस? करोड़ों की जमीन शासन। अच्छा, उसमें जो डॉक्यूमेंट का यूज़ किया गया आपके कहने के मुताबिक वो नकली है या बनावटी? बनावटी डॉक्यूमेंट है, क्योंकि गुंटेवारी को परमिशन नहीं है कलेक्टर की। अच्छा। और ये गुंटेवारी प्लाटिंग निकाल कर बेच रहे हैं। अच्छा। और इनको कुछ आकर बोलने गए तो डरगाने की वादा कर रहे हैं, डरगाना मार रहे हैं हमारे पास। कलेक्टर साहब से इस बारे में बात करे वाले कलेक्टर को निवेदन दिए वाले बार बार इनको ये मैटर में बहुत सारे निवेदन गए वाले इस मैटर के अंदर।
ऐसे परवानी में और बहुत सारे मसले हैं, मुद्दे हैं, ये प्लॉट की बिक्री हो रही है, तो उस बारे में आपका क्या बोलना? हमारा मांग ऐसी है गवर्नमेंट से, हमारे परवानी प्रशासन से ऐसी मांग है कि जो भी जो अधिकारी कर्मचारी और जो भूमाफिया है इन पे कड़क से कड़क कार्रवाई होना चाहिए और इनको समिति गठित करके इनकी चौकसी होना चाहिए। आणि याचबरोबर हे बातमीपत्र संपलं। पुन्हा भेटूया पुढील बातमीपत्रात। शहरातील ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी पाहत रहा परभणी न्यूज।